गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, अर्थात सुपर 60 एजुकेशन हब वेलकम शियो ऑल द स्टूडेंट्स। ये सेशन 11 एडिटोरियल रीडिंग का सेशन 11 जो कल का है, यानी 9 मार्च का पेपर है एडिटोरियल का। तो हेडिंग जैसे कि देख रहे होंगे आप, लेकिन मैं चाहूंगा पहले जो चीजें हैं देख लें। इसमें एक और चीज बेहतर की गई है, जैसे ये सारी वो पैसेज हैं जो आप समझ सकते हैं, ये वो पैसेज हैं सारे देख रहे होंगे आप। और हमेशा की तरह ये कॉमन एरर्स हैं जो हमेशा की तरह आपके काम आएंगे, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें अगर सब्जेक्ट एग्रीमेंट ऑफ वर्ब और प्रीपोजिशन से संबंधित चीजें या और भी जो एडजेक्टिव्स वगैरह चीजें होती है वो दी जाती है, निश्चित ही ये कॉमन एरर्स आपके काम आएंगे। ये 10 हैं आपके पास कुल, ये देख रहे होंगे आप। और अब की बार इन पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स जोड़े हुए हैं जो एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक एग्जाम में आपको दिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके 5, ये आपको दिए गए हैं। और हमेशा की तरह सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत यूजफुल होते हैं, तो मैं सबसे पहले इन वर्ड्स को समझा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहला वर्ड है, आप जानते हैं इंस्टांस होता है। इंस्टांस में कोई उदाहरण, कोई नजीर, जब हम कोई एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं वो एक इंस्टांस होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल में शामिल करना या लपेटना, किसी कोई अगर किसी चीज में एम्ब्रॉयल हुआ है मीन्स वो उसमें घिर गया है, उसमें लिपट गया है वो, तो वो एम्ब्रॉयल कर गया है वो। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्प्यूट। डिस्प्यूट आप जानते होंगे विवादों को कहते हैं। जब भी कहीं पर कोई क्लैश है, कोई कंट्रोवर्सी है, वह एक डिस्प्यूट होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडीड, जो इजी है एक्चुअली, वास्तव में जिसके मीन्स होता है, और वास्तव में अगर यही एडवर्ब की तरह काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अग्रीव्ड। अग्रीव्ड मीन्स नाराज या क्रुद्ध होता है, जो आदमी वेक्ष्ड हो, एंग्री हो, डिस्टर्ब्ड हो, वो अग्रीव्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकॉन्ग्रुएंस मीन्स बेमेल, असंगत, जो चीज रिलेटेड ना हो टॉपिक से। इनकोहरेंट मीन्स वह इनकॉन्ग्रुएंस होती, मीन्स बेमेल या असंगत होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका राइप। बचपन से आप जानते हैं जो चीज पकी हुई हो वो राइप कहलाती है, अर्थात कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा केस जो अपने अंतिम अवस्था में बिल्कुल हो वह राइप होता है। नेक्स्ट वर्ड है टीयर। आप बचपन से जानते हैं टीयर मीन्स आंसू होता है नाउन के रूप में, और एक वर्ब के रूप में टीयर मीन्स किसी चीज को फाड़ कर अलग कर देना होता है। अगर किसी चीज को आप टीयर डाउन करते हैं इट मीन्स उसे आप तोड़ मरोड़ देते हैं, टीयर डाउन करते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड आपका रिवाइव हो, पुनर्जीवित करना, जानते हैं आप रिवाइव मीन्स रिस्टोर करना, रिफ्रेश करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका विशिएट। विशिएट भी आप जानते हैं दूषित करना, खराब करना किसी चीज को, ब्लेमिश कर देना, डार्किन कर देना, मार कर देना, उसे एनिहिलेट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्शियल। बहुत बार आपने यूज किया होगा, विवादित होता है इसके मीन्स, कोई चीज अगर आर्ग्यूमेंटेटिव होती है, कंटेंशियस होती है, तो वह कंट्रोवर्सियल होती है। नेक्स्ट वर्ड है रिवांचेस्ट। रिवांच से बना है मीन्स प्रतिशोधात्मक, यानी जो चीज बदले से संबंधित होती है वो रिवांचेस्ट होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लेम। ये नाउन के रूप में दावा होता है और एक वर्ब के रूप में दावा करना होता है। यहां पे मैंने नाउन के रूप में दिया है मीन्स कोई अफर्मेशन, कोई एसर्शन, कोई कंफर्मेशन जो होता है वो क्लेम होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोलॉन्ग्ड। ध्यान रखिएगा प्रोलॉन्ग जो होता है उसके मीन्स किसी चीज को लंबे समय तक ले जाना होता है, मीन्स लंबे समय तक कोई कार्य कर। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज कर रहे हैं या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी या फिर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव हो जाएगी, यानी प्रोलॉन्ग्ड कोई केस है मीन्स लंबे समय तक चलने वाला वो केस होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्ली। जानते होंगे प्ली से प्लेडर बना है, तो प्ली मीन्स याचिका होता है, कोई अपील, कोई एडजुरेशन, कोई कंजुरेशन या अपील कोई। फेस्टर बढ़िया वर्ड है आपके लिए। फेस्टर मीन्स सड़ना होता है, कोई चीज सड़ जाए बिल्कुल, उससे पश निकलने लगे, तो वह फेस्टर कर रही है, एडजेक्टिव के रूप में है ये। और लास्ट वर्ड आपके पास है रेंडर। रेंडर मीन्स प्रदान करना, प्रोवाइड करना किसी चीज को। और इंट्रैक्टेबल मीन्स जिसका समाधान मुश्किल हो, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो, वो इंट्रैक्टेबल होती है, मीन्स वो डिफाइंट या इनकम्प्लायंट होती है। चलिए ये सारे वर्ड्स हैं आपके पास, फिर से देख लीजिएगा अपने रूम पर।
इंट्रैक्टेबल पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड रेंडर है, तीसरा वर्ड फेस्टर है, चौथा वर्ड प्ली है, पांचवा वर्ड प्रोलाउंड है, छठवां क्लेम है, सातवां रिवांचिस्ट है, नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल है, नेक्स्ट विशिएट है, रिवाइव है, टियर है, राइप है, इनकॉन्ग्रुअस है, अग्रीव्ड है, इंडीड है, डिस्प्यूट्स है, इम्ब्रॉयल है और इंस्टॉन्स है। ठीक है, ये वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और ये वो कॉमन एरर्स हैं आपके सामने जो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपने से कोशिश करें करने की, ताकि जब मैं इनके आंसर्स आपको बताऊं तो उस समय आपके लिए आसान हो जाए। ये चार क्वेश्चन आपके हैं और ये भी चार क्वेश्चन हैं, कुल मिला के आठ हो जाएंगे आपके पास। और फिर इसके आगे दो क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं। ये 10 कॉमन एरर हैं जो हर एक एग्जाम के पार्ट होते हैं आपको दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसेज रीडिंग मीन्स जो एडिटोरियल है उसे कैसे पढ़ते हैं, तो पढ़ करके उनके शब्दों को देखें और कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें। ये चीजें आपके क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हर जगह काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग है आपकी स्ट्रेंज टर्न एज। यहां पे एक्चुअली स्ट्रेंज टर्न है, ये जो ये जुड़ गया है ये नहीं रहे। स्ट्रेंज टर्न यानी एक अजीब सा बदलाव, यानी कुछ ऐसा, कोई ऐसा मोड़, कोई ऐसा टर्न जो शायद अच्छा नहीं है, उसी पर हेडिंग है। पर स्ट्रेंज टर्न किस चीज का है? ऑन एससीज ऑर्डर रिगार्डिंग अयोध्या डिस्प्यूट। एक्चुअली उसी का वर्ड यहां लग रहा है, जुड़ गया था वो, रिगार्डिंग हो जाएगा आपका ये। एक मिनट, ये आपका रिगार्डिंग हो गया, यानी ऑन एससीज ऑर्डर रिगार्डिंग अयोध्या डिस्प्यूट। यानी पूरा आपका जो स्ट्रेंज टर्न है वो अयोध्या का जो मसला है, जो मामला है, जो विवाद है, उससे संबंधित जो एससी का ऑर्डर आया है, मीन्स आदेश आया है, उसी पर ये एडिटोरियल है जिसे लेखक कह रहा है कि एक स्ट्रेंज टर्न है, मीन्स अजीब सा मोड़ है। द सुप्रीम कोर्ट्स अटेम्प्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रयास है, कौन सा प्रयास? एट मीडिएशन, यानी मध्यस्थता का, इन द अयोध्या डिस्प्यूट, अयोध्या विवाद पर, इज इनकॉन्ग्रुअस। इस किसके लिए है? अटेम्प्ट के लिए है, यानी इस इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस मीन्स बेमेल, मीन्स अतार्किक, असंगत, अर्थात जो सही ना हो। ये लेखक ये कहना चाह रहे हैं एडिटोरियल के कि द सुप्रीम कोर्ट अटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रयास है एट मीडिएशन इन द अयोध्या डिस्प्यूट, अयोध्या डिस्प्यूट में जो मध्यस्थता का प्रयास है सुप्रीम कोर्ट का, इस इनकॉन्ग्रुअस, वो प्रयास जो है वो बेमेल है, असंगत है, मीन्स तार्किक नहीं, सही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडिएशन यानी मध्यस्थता, स्पेशली यानी विशेष रूप से, व्हेन इट इज एट द इंस्टांस ऑफ अ कोर्ट, यानी मध्यस्थता, वो भी कौन सी मध्यस्थता? विशेष रूप से जब इट इज एट द इंस्टांस ऑफ अ कोर्ट, इंस्टांस मीन्स उदाहरण, नजीर यानी एक तरह से बताना, तो जब ये मध्यस्थता न्यायालय के नजीर के स्वरूप हो, यानी न्यायालय के द्वारा दिए गए उदाहरण के रूप में हो, तो इस प्रकार की मध्यस्थता इज अ वेलकम ऑप्शन। तो फिर यह ऑप्शन जो होता है वो वेलकम ऑप्शन होता है, स्वागत योग्य विकल्प होता है, फॉर दोज, उनके लिए, एम्ब्रॉयल्ड इन प्रोट्रैक्टेड सिविल डिस्प्यूट्स, जो लोग एम्ब्रॉयल्ड, एम्ब्रॉयल्ड मीन्स जो घिरे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, शामिल होते हैं इन प्रोट्रैक्टेड सिविल डिस्प्यूट्स, लंबी अवधि तक चलने वाले सिविल डिस्प्यूट, यानी जो सिविल के मुकदमे होते हैं, विवाद होते हैं, वो जो लंबे समय तक सिविल डिस्प्यूट होते हैं, उनमें जो लोग फंसे होते हैं, उनमें जो घिरे होते हैं, शामिल होते हैं, उनके लिए एक वेलकम ऑप्शन है, यानी स्वागत योग्य विकल्प होता है, यदि कोई कोर्ट जो है इस प्रकार का इंस्टांस देती है, विशेष रूप से इंस्टांस जो मध्यस्थता से संबंधित होता है, यानी अगर कोई मामला बहुत लंबे समय तक चल रहा होता है, उसमें लोग जो फंसे हुए होते हैं, शामिल होते हैं, उनके लिए मध्यस्थता एक वेलकम ऑप्शन होता है। कॉम्प्रोमाइज, एक जो समझौता होता है,
could indeed be preferable. वो निश्चित ही preferable होता है, means वरीयता प्राप्त होता है, यानी वो ज्यादा पसंद किया जाता है to an order, एक ऐसे आदेश की अपेक्षा that may leave one side aggrieved, जो एक साइड को, एक पक्ष को aggrieved, नाराज या क्रुद्ध करके छोड़ देती हो. यानी फिर से देख लीजिए, कह रहे अ कंप्रोमाइज कुड इनडीड बी प्रेफरेबल, यानी यदि आप समझौता कर लेते हैं मध्यस्थता के द्वारा तो निश्चित ही ऐसी कोई कंप्रोमाइज जो है प्रेफरेबल होगी, मीन्स वो कहीं कहीं ज्यादा पसंद की जाएगी. टू देख रहे हैं प्रेफरेबल के साथ टू लगा हुआ है, तो ऐसी चीज प्रेफरेबल की जाएगी यदि कंप्रोमाइज कोई कर लेता है टू एन आर्डर, न्यायालय के ऐसे आदेश की अपेक्षा जो आदेश मे लीव वन साइड अग्रीव, जिस आदेश की वजह से कोई एक पक्ष नाराज रह जाए, यानी एक पक्ष अगर नाराज रह जाए न्यायालय के आदेश के कारण, उससे बेहतर है कि कंप्रोमाइज करा दिया जाए, तो हर कोई इसको प्रीफर करेगा, ये चीज प्रीफरेबल होगी. हाउएवर जो भी हो, इट इज क्वेश्चनेबल, लेकिन यह आपत्तिजनक है, यानी इस पर प्रश्न उठ जा रहा है वेदर कि क्या दिस प्रिंसिपल, कि क्या यह सिद्धांत कैन बी अप्लाइड, लागू हो सकता है टू ऑल डिस्प्यूट्स, सभी प्रकार के मुकदमों में, सभी प्रकार के विवादों में, एंड इन ऑल सिचुएशंस, और क्या सभी प्रकार की परिस्थितियों में इस प्रकार का प्रिंसिपल लागू हो सकता है. कौन सा प्रिंसिपल, कि अगर आप कंप्रोमाइज करते हैं तो निश्चित ही यह चीज प्रेफरेबल होती, यानी मध्यस्थता कहीं कहीं विशेष रूप से जो कोर्ट के द्वारा दिया गया उदाहरण हो वो मध्यस्थता कहीं कहीं वेलकम ऑप्शन होता है. तो लेखक का प्रश्न है जो भी हो इट इज क्वेश्चनेबल, ये प्रश्न खड़ा करता है, यानी प्रश्न ये कहीं के उत्पन्न होगा कि वेदर कि क्या दिस प्रिंसिपल, कि क्या इस प्रकार का सिद्धांत, यानी मध्यस्थता का सिद्धांत कैन बी अप्लाइड, क्या इस प्रकार का मध्यस्थता का सिद्धांत लागू हो सकता है टू ऑल डिस्प्यूट्स, सभी प्रकार के मामलों में, सभी प्रकार के विवादों में, एंड इन ऑल सिचुएशन, सभी प्रकार की परिस्थितियों में, क्या ये जो मध्यस्थता का मसला है क्या सभी जगह लागू हो सकता है, ये कहीं कहीं प्रश्न पूछा जाएगा. द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अपॉइंटिंग थ्री मीडिएटर्स, तीन मध्यस्थों को अपॉइंट करने का, नियुक्त करने का, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, जो मध्यस्थ क्या निकाले, एक समाधान निकाले, सॉल्यूशन टू है यहां पे, वो समाधान निकाले टू द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, किस चीज का समाधान, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद का समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो तीन लोगों को मध्यस्थ नियुक्त किया, वो ऑर्डर, वो आदेश इज क्वाइट स्ट्रेंज, बिल्कुल अजीब है, एंड इनकॉन्ग्रुअस, और वो आदेश कैसा है, इनकॉन्ग्रुअस है, मीन्स बेमेल है, अतर्कसंगत है, गिवेन दैट, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ऑल सच प्रीवियस अटेम्प्ट्स, कि इस प्रकार के सभी जो पूर्व के प्रयास हैं, हैव एंडेड इन फेलियर, निश्चित ही उनका जो अंत हुआ है वो असफलता के रूप में हुआ है. इस चीज को ध्यान में रखकर अगर इस तरीके का कोई आदेश मध्यस्थ तक दिया जाता है तो वह आदेश निश्चित ही स्ट्रेंज और इनकॉन्ग्रुअस है, मीन्स बेमेल है, अजीब है. द डिस्प्यूट ओवर द साइट, साइट में से यहां पर वो जो स्थान है, यानी जहां पे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद का स्थान है, वो स्थान, तो द डिस्प्यूट ओवर, डिस्प्यूट के साथ देखिए ओवर है, जिस मसले पर आप डिस्प्यूट करते हैं वहां पे ओवर का प्रयोग करते हैं. द डिस्प्यूट ओवर द साइट, यानी उस स्थान को लेकर के जो विवाद है, एट अयोध्या, कहां पर, अयोध्या में, यानी अयोध्या में उस स्थान को लेकर के जो विवाद है, वेयर, जहां पर अ 16th सेंचुरी मॉस्क, मॉस्क में समझते हैं मस्जिद होती है, जहां पर एक 16वीं शताब्दी में बनी हुई जो मस्जिद थी स्टूड, वहां पे खड़ी थी, वो बनी हुई थी, अंटिल इट वॉज टॉर्न डाउन, जब तक कि उसे ढहा नहीं दिया गया, मीन्स गिरा नहीं दिया गया, बाय हिंदुत्व फैनेटिक्स, किनके द्वारा, उन हिंदुत्व या हिंदुवादी कट्टरपंथियों के द्वारा, फैनेटिक्स मीन्स कट्टरपंथी, जब तक कि वो मस्जिद हिंदुत्व यानी हिंदुवादी कट्टरपंथियों के द्वारा ढहा नहीं दी गई, गिरा नहीं दी गई, इन दिसंबर 1922, दिसंबर 1992 को, जानते हैं
6 दिसंबर 1992 को, तो वो जो डिस्प्यूट है हैज रिमेंड इंट्रैक्टेबल सिंस 1949, यानी वो डिस्प्यूट कोई हाल फिलहाल का नहीं है, वो डिस्प्यूट रिमेंड इंट्रैक्टेबल, आज भी वो तो शाद है, यानी आज भी उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है सिंस 1949, और ये समस्या कब से बनी हुई है, 1949 से बनी हुई है, ठीक है। After the demolition of the Babri Masjid, demolish समझते होंगे, demolish means होता है किसी building को गिरा देना, ढहा देना। After the demolition of the Babri Masjid, ये Babri Masjid को ढहाने के बाद, यानी उस मस्जिद को ढह गई, उसके बाद the president referred to, देख रहे हैं ना, जिस चीज को, मतलब जिसको आप refer करते हैं, उसको हमेशा उसके पहले refer to का प्रयोग करते हैं। तो जब मस्जिद ढा दी गई, द प्रेसिडेंट रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट द क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न रखा, वेदर कि क्या देयर वाज अ टेंपल, कि क्या वहां कोई मंदिर था टू लॉर्ड राम, किसके नाम पर, भगवान राम के नाम पर, भगवान राम का, बिफोर द मॉस्क वाज बिल्ट एट द साइट, इससे पहले कि वह मस्जिद उस स्थान पर बनी हो। राष्ट्रपति ने रेफर किया सुप्रीम कोर्ट को यह प्रश्न, यानी प्रश्न भेजा वेदर कि क्या देयर वाज अ टेंपल टू लॉर्ड राम, क्या वहां भगवान राम को कोई मंदिर था, बिफोर द मॉस्क वाज बिल्ट एट द साइट, इससे पहले कि वहां पे मॉस्क बना हो, यानी मॉस्क बनने से पहले क्या वहां लॉर्ड राम का टेंपल था, यह प्रश्न राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। द कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क डिसीजन, लैंडमार्क में ऐतिहासिक, जिसे हमेशा याद रखा जाए वो लैंडमार्क होता है, तो द कोर्ट इन अ लैंडमार्क डिसीजन इन 1994 में अपने ऐतिहासिक निर्णय में कोर्ट ने क्या किया, डिक्लाइंड मीन्स अनिच्छा जाहिर कर दी टू गो इन टू दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को परख करने की, यानी उस क्वेश्चन का समाधान देने की, उसकी तहकीकात करने की, तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते हैं, इसलिए लैंडमार्क डिसीजन था, यानी राष्ट्रपति ने कहा हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हम इस प्रश्न को नहीं वो कर सकते हैं, मतलब इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि एक ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, इट रिवाइव्ड द टाइटल सोर्स, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो टाइटल सोर्स थे, यानी जो वहां के स्थान को लेकर के विवाद थे, रिवाइव्ड वो फिर से उत्पन्न हो गए, एंड देयर बाय उसके बाद रीस्टोर्ड ड्यू प्रोसेस, यानी पहले की जो प्रक्रिया थी वो फिर से शुरू हो गई, एंड रूल ऑफ द लॉ, और कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ द लॉ यानी वहां कानून का शासन चलना चाहिए। द प्रेजेंट अटेम्प्ट जो वर्तमान प्रयास है बाय द सुप्रीम कोर्ट, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, द प्रेजेंट अटेम्प्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्तमान प्रयास है, कौन सा प्रयास, टू गिव मीडिएशन मध्यस्थता प्रदान करने का अ चांस, यानी मध्यस्थता प्रदान करने का अवसर देना, जो उसका प्रयास है विद इन अ नैरो विंडो ऑफ 8 वीक्स, वो भी किसके अंदर, 8 सप्ताह के अंदर, गोस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द 1994 डिसीजन, यानी वो जो प्रयास है सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा प्रयास बाय द सुप्रीम कोर्ट, टू गिव मेडिएशन अ चांस, यानी कि मेडिएशन को सुप्रीम कोर्ट जो अवसर दे रहा है विद इन अ नैरो विंडो ऑफ 8 वीक्स की, 8 सप्ताह के अंदर वो इसका समाधान निकाले, वह अटेम्प्ट गोस अगेंस्ट द स्पिरिट, स्पिरिट में यहां पे भावना होती है, ठीक है, गोस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द 1994 डिसीजन, वो प्रयास कहीं कहीं 1994 के निर्णय की भावना के खिलाफ जाता है, क्या जाता है खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का वो प्रयास जिसमें वो मेडिएशन के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा एक अवसर दे रहा है कि 8 सप्ताह के अंदर इसका समाधान निकाल जाए, ये जो है ये खिलाफ है द स्पिरिट ऑफ द 1994 डिसीजन, 1994 के निर्णय की भावना के खिलाफ, ठीक है। आफ्टर ऑल जो भी हो, इट वाज दैट वर्डिक्ट, यह वही निर्णय था
that made possible the 2010 judgment. जिसने 2010 के उस निर्णय को संभव बना दिया ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो निर्णय इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने दिया था, विच जो जिसने यानी जिस निर्णय ने जिस कोर्ट ने फेवर्ड अ थ्री वे स्प्लिट ऑफ द साइड, जिस कोर्ट के निर्णय ने क्या किया था, फेवर्ड अ थ्री वे स्प्लिट ऑफ द साइड, उस साइड को संस्थान को तीन भागों में बांट दिया था, एमंग रामलला यानी रामलला के, द सुनील वक्फ बोर्ड यानी सुनील वक्फ बोर्ड में, एंड द निर्मोही अखाड़ा और निर्मोही, यानी उस साइड को उसने कहा कि एक हिस्सा रामलला का हो जाएगा, एक हिस्सा सुनील वक्फ बोर्ड का हो जाएगा और एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को होगा, विच इज अंडर अपील, जिस पर अभी अपील की गई, मीन्स कहीं कहीं याचिका दायर की गई है. A welcome feature of the court mandated mediation. ये welcome feature जो एक स्वागत योग्य कदम है, जो एक स्वागत योग्य चीज है, of the court mandated mediation, यानी court के द्वारा अधिकृत, mandated means अधिकृत, ये court के द्वारा अधिकृत जो mediation है, मध्यस्थता है, उसका जो एक welcome feature, स्वागत योग्य कदम है, attempt यानी जो मध्यस्थता का कार्य है, is that वो स्वागत योग्य कदम ये है कि it will not consume much time. देखिए time के पहले क्या लगा है, much, क्योंकि यहाँ time uncountable noun के रूप में लगा, यानी उसका स्वागत योग्य कदम ये है इस प्रकार के कोर मैंडेटेड मेडिएशन अटेम्प्ट का कि that it will not consume much time, कि इसमें बहुत अधिक समय कंज्यूम नहीं होगा, बहुत समय नहीं लगेगा. The same 8 weeks, वही 8 सप्ताह are needed, लगेंगे, जरूरी होंगे, for preparation for the final hearing, यानी जो 8 सप्ताह कोर्ट ने दिया है, वही 8 सप्ताह needed, उन्हीं 8 सप्ताहों की जरूरत होगी, for preparation for the final hearing, ताकि उन final hearing, अंतिम सुनवाई की तैयारी की जा सकती हो. The confidentiality rule will be helpful as none would want the atmosphere to be vitiated by premature disclosures when the country is in election mode. The confidentiality rule, यानी confidential समझते होंगे, जिस चीज को हम अपने विश्वास में रखते हैं, किसी और को नहीं बताते हैं, वो ये जो confidentiality rule है, यानी जो एक विश्वसनीयता का नियम है, will be helpful, ये कहीं कहीं सहायक होगा, as क्योंकि none would want, कोई भी नहीं चाहेगा, the atmosphere, कि जो माहौल है, to be vitiated, वो क्या हो जाए, खराब हो जाए, दूषित हो जाए, by premature disclosures, पहले ही किसी डिस्क्लोजर से, रहस्य उद्घाटन से, when, जब the country is in election mode, जब ये देश इलेक्शन के मोड में है, अर्थात इलेक्शन की मुद्रा में तैयार हो रहा है. However, जो भी हो, the inclusion of Shri Shri Ravi Shankar, inclusion means किसी चीज में शामिल होने की क्रिया, कह रहे हैं, however, the inclusion of Shri Shri Ravi Shankar as one of the mediators, यानी वो जो mediators हैं, उनमें एक mediator श्री श्री रविशंकर जी का शामिल होना is controversial, ये क्या है, विवादित है, कहीं कहीं इस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है. क्यों, क्योंकि इन द पास्ट, अतीत में, ही हैज मेड रिमार्क्स, क्योंकि अतीत में श्री श्री रविशंकर जी ने इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, किस प्रकार की टिप्पणियां, टू द इफेक्ट कि एक प्रभाव पड़ेगा, दैट मुस्लिम्स ought to give up their claim, कि मुस्लिम्स जो हैं ought to give up, मींस त्याग देना, छोड़ देना, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को अपना दावा छोड़ देना चाहिए, एंड और दैट, और उन्होंने ये भी रिमार्क किया कि द फेलियर टू फाइंड अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, कि अगर एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट यानी बातचीत के द्वारा कोई समाधान का रास्ता अगर नहीं निकलता है, इसमें असफलता मिलती है, तो विल रिजल्ट इन सिविल वार, तो इससे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. ये किसने कहा था, श्री श्री रविशंकर ने. तो जो इस प्रकार के कमेंट्स किए हों, रिमार्क किए हों, उनका उस में शामिल होना, में तीन मध्यस्थता के जो लोग हैं उनका शामिल होना कहीं कहीं कंट्रोवर्शियल है. इट इज ट्रू, ये सही है, दैट की द प्रोलॉन्ग्ड टर्म, देखिए प्रॉब्लम यहां पे क्या है, नाउन है, इसके पहले प्रोलॉन्ग एडजेक्टिव हो गया, यानी लंबी अवधि तक चलने वाला,
क्रेग रिच ट्रू दैट ये सच है कि द प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम ये लंबी अवधि तक चलने वाली जो समस्या है हैज हैड एन एडवर्स इंपैक्ट. एडवर्स मीन्स विपरीत. इसने कहीं कहीं ये देखिए हैज क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है. ये हैड क्या है हैव की मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है. तो जैसे हैव अ लुक ओवर हियर हैव योर लंच हैव योर स्लीप इस सेंस में हैड का प्रयोग किया गया वर्ब के थर्ड फॉर्म में. फिर से देख लें कहें इट इज ट्रू दैट ये सच है कि द प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम ये जो लंबे समय से चली आ रही समस्या है हैज हैड एन एडवर्स इंपैक्ट इसका एक बुरा प्रभाव पड़ा है विपरीत प्रभाव पड़ा है ऑन द बॉडी पॉलिटिक. बॉडी पॉलिटिक मीन्स पूरा देश जो एक यूनिट के रूप में है तो इस पूरे देश पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ा है एंड सम हीलिंग इज रिक्वायर्ड. और कहीं कहीं इस घाव को भरने के लिए हीलिंग इज रिक्वायर्ड किसी किसी मरहम की क्या है जरूरत है. हीलिंग इस घाव भरना समझते होंगे तो कहीं कहीं एक मरहम की जरूरत है जो इस घाव को भर सके क्योंकि एडवर्स इंपैक्ट पड़ा है हमारी बॉडी पॉलिटिक पर इस पूरे देश पर. बट लेकिन द इंजरी टू देखिए इंजरी के साथ क्या लगा है टू बट द इंजरी टू द कंट्रीज सेक्युलर फैब्रिक. लेकिन जो इंजरी है जो घाव है चोट है टू द कंट्रीज सेक्युलर फैब्रिक इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को. फैब्रिक मीन्स बनावट यानी कि जो इस देश की धर्मनिरपेक्ष छवि है बनावट है उसको जो नुकसान हो रहा है देखिए इंजरी के साथ टू है उसको जो नुकसान हो रहा है वाज कास्ट वो नुकसान कारण था बाई फैनेटिकल हिंदुत्व ग्रुप्स यानी कट्टरपंथी हिंदूवादी समूहों के द्वारा वो कंट्री का सेकुलर छवि कहीं कहीं इंजर हुई थी. दैट जो ग्रुप्स लॉन्च्ड अ रिवांचिस्ट कैंपेन जिन्होंने एक बदले की कार्यवाही के तहत कैंपेन चलाया था अभियान चलाया था ऑन द प्ली इस याचना पर दैट की सम टेम्पल्स हैड बीन टर्न्ड इनटू मॉस्क्स इस याचना पर इस आग्रह पर कि कुछ मंदिरों को हैड बीन टर्न बदल दिया गया था इनटू मॉस्क्स में मस्जिदों में बाई इन्वेडर्स किनके द्वारा आक्रमणकारियों के द्वारा इन्वेडर्स आक्रमणकारी. द वनली वे वो इकलौता मार्ग टू हील दिस फेस्टरिंग वुंड जो इस मवाद बन चुके यानी सर चुके हुए घाव का जो इकलौता हील करने का उसे सही करने का जो इकलौता रास्ता है ऑन द बॉडी पॉलिटिक जो वुंड कहा है हमारे देश के ऊपर लगा है वो इकलौता मार्ग इज टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस वो ये है कि आप पूर्ण न्याय प्रदान करो नॉट ओनली इन द सिविल केस केवल सिविल केस में नहीं बट ऑल्सो देखिए नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन था तो यहां क्या है बट ऑल्सो केवल सिविल केस में ही पूर्ण न्याय न दो आप बट ऑल्सो फॉर द क्रिमिनल एक्ट उस आपराधिक कृत्यों के लिए भी न्याय करो ऑफ द डिमोलिशन जो उस मस्जिद को ढहा करके किया गया था. नो वन मस्ट बी लेफ्ट विद द इम्पेशन लीव विद द इम्पेशन किसी के मन में यह भावना उत्पन्न करना. तो नो वन मस्ट बी लेफ्ट विद द इम्पेशन किसी के मन में आपको यह भावना नहीं डालनी होगी दैट की द एक्सरसाइज इज एम्ड एट प्रिविलेजिंग द फेथ बेस्ड आर्ग्यूमेंट यानी आपको किसी को भी इस भावना से ग्रस्त नहीं करना किसी को आपको इस प्रकार का मन में उसके प्रभाव नहीं छोड़ना होगा दैट की द एक्सरसाइज इज एम्ड एट देखिए कितना बढ़िया यूज है एम्ड के साथ एट और फिर प्रिविलेज में आई एन जी क्योंकि एट यहां क्या है प्रीपोजिशन है. तो दैट द एक्सरसाइज इज एम्ड कि सब कुछ जो किया जा रहा है इज एम्ड एट प्रिविलेजिंग वो कहीं कहीं सुविधा देने के लिए किया जा रहा है द फेथ बेस्ड आर्ग्यूमेंट उस विश्वास पर आधारित आर्ग्यूमेंट तर्क के लिए दैट की द मॉस्क स्टूड एट द एग्जैक्ट स्पॉट कि वो मॉस्क बिल्कुल वहीं पर एग्जैक्ट स्पॉट पर थी उसी स्थान पर थी वेयर लॉर्ड राम वॉज बॉर्न जहां पर रामलला जी का राम जी का जन्म हुआ था. और इस चीज को आपको कहीं कहीं मतलब प्रिविलेज नहीं करना चाहिए वॉज बॉर्न ओवर द लीगल क्वेश्चन यानी आपको जो कानूनी प्रश्न है उसके आगे इस प्रकार के फेथ बेस्ड आर्ग्यूमेंट को कहीं कहीं प्रिविलेज नहीं करना चाहिए ऑन हु होल्ड्स द टाइटल टू द लैंड. मैं चाहूंगा आप ये लाइन फिर से देख लें आप देखें यहां देख लें आप नो वन मस्ट बी लेफ्ट विद द इंप्रेशन आप किसी के मन में
ये प्रभाव न डाले दैट की द एक्सरसाइज इज एम्ड एट प्रिविलेजिंग द फेथ बेस्ड आर्ग्यूमेंट, कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये प्रिविलेजिंग द फेथ बेस्ड आर्ग्यूमेंट यानी विश्वास पर आधारित जो तर्क वितर्क है उनको प्रिविलेज करने का आपका लक्ष्य है. इस प्रकार का इंप्रेशन आपको लोगों के मन में नहीं छोड़ना चाहिए. दैट कौन सा आर्ग्यूमेंट, दैट की द मॉस्क स्टूड एट द एग्जैक्ट स्पॉट. जो लोग ये कहते हैं कि वो मस्जिद बिल्कुल वहीं पर थी, एट द एग्जैक्ट स्पॉट, ठीक उसी स्थान पर थी वेयर लॉर्ड राम वॉज बॉर्न, जहां पर रामचंद्र जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था. और आप ये इंप्रेशन जो है ओवर द लीगल क्वेश्चन यानी जो कानूनी प्रश्न है, कौन सा कानूनी प्रश्न, ऑन हु होल्ड्स द टाइटल टू द लैंड, आखिर उस जमीन का मालिक कौन है, उसका मालिकाना हक किसके पास है, इस कानूनी प्रश्न के ऊपर आप इस फेक बेस्ड आर्ग्यूमेंट को प्रेफरेंस न दें. अर्थात इस प्रकार का कोई इंप्रेशन लोगों के मन में नहीं रहना चाहिए. यानी कोर्ट ये चाहता है कि जो मुस्लिम पक्ष है उनके मन में ये ना आए कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो फेक बेस्ड आर्ग्यूमेंट पर चल रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप लीगल क्वेश्चन को ध्यान में रखें. जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु होल्ड्स द टाइटल टू द लैंड, कि वो जो मसला है, वो जो जमीन है, उसका टाइटल किसके पास है, अधिकार किसके पास है, मालिकाना हक किसके पास है. ओके, ये अच्छा एडिटोरियल था आपको, जो आप समझ सकते हैं. अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप समझ सकते हैं. इसके वर्ड्स निश्चित तैयार करिएगा और ये आपके पास कॉमन एरर्स हैं. देख रहे हैं बिल्कुल. मीडिएशन स्पेशली व्हेन इट इज एट द इंस्टेंस ऑफ अ कोर्ट आर, ये आर किसके लिए है, ये आर है ना, ये आर मीडिएशन के लिए है. तो मीडिएशन के लिए आप आर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इज हो जाएगा. नेक्स्ट है अ कंप्रोमाइज कुड इंडीड बी प्रीफरेबल देन. जैसे आपने प्रीफर और प्रीफरेबल देखा और आपने देखा कि नाउन वगैरह का यहां यूज है, तो फिर यहां देन नहीं टू हो जाएगा. नेक्स्ट है हाउएवर, जो भी इट इज क्वेश्चनेबल वेदर दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू ऑल डिस्प्यूट एंड इन ऑल सिचुएशन. जब भी आप ऑल ले रहे हैं तो ऑल के साथ डिस्प्यूट कैसे आएगा, ऑल डिस्प्यूट हो जाएगा ना, और ऑल सिचुएशंस हो जाएगा. जैसे बोलते हैं ना ऑल द बॉयज, तो वैसे ऑल सिचुएशंस और ऑल डिस्प्यूट्स हो जाएगा. नेक्स्ट है द डिस्प्यूट ऑन द साइट एट अयोध्या, वो जो मसला है, वो जो विवाद है, ऑन द साइट एट अयोध्या, अयोध्या के स्थान पर. तो अयोध्या के स्थान पर जो मामला है, जो विवाद है, तो डिस्प्यूट के साथ आर नहीं लगाते हैं. जिस चीज पर विवाद होता है वो डिस्प्यूट ओवर का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, सही है, द प्रेसिडेंट रिफर द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रिफर किया वह क्वेश्चन. तो मैंने कहा था जब रिफर का प्रयोग करें तो जिसको आप रिफर कर रहे हैं उसके पहले यहां पर क्या लगेगा, टू लग जाएगा यहां पे, तो यहां आपका हो जाएगा रिफर टू द सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेलकम फीचर ऑफ द कोर्ट मैंडेटेड मेडिएशन अटेम्प्ट इज दैट इट विल नॉट कंज्यूम मेनी टाइम. टाइम है ना, टाइम्स तो है ना यहां पे, तो यहां हम व्यापक रूप में टाइम का प्रयोग कर रहे हैं, न कि गुणे के अर्थ में कर रहे हैं. तो यहां टाइम के पहले मेनी नहीं लग सकता है, मच लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन द पास्ट ही हैज मेड रिमार्क्स टू द इफेक्ट दैट मुस्लिम्स ऑट टू गिव अप हिज क्लेम. ये हिज किसके लिए है, मुस्लिम्स के लिए है ना. तो अगर मुस्लिम्स के लिए है तो जो मुस्लिम्स अपना दावा छोड़ रहे हैं, मुस्लिम्स अपना दावा छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो यहां हिज नहीं देयर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मुस्लिम्स के लिए आपने इसका प्रयोग किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज ट्रू दैट द प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नाउन है ना, अगर प्रॉब्लम नाउन है तो इसके प्रोलॉन्ग वर्ब कैसे आएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा ना, तो इट इज ट्रू दैट द प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है द इंजरी ऑफ द कंट्रीज सेक्युलर फैब्रिक, याद करें जिस चीज को आप चोट पहुंचाते हैं उसके लिए इंजरी टू का प्रयोग करते हैं, द इंजरी टू होता है, याद करें स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ होता है ना, तो इंजरी टू का प्रयोग कर लें. नेक्स्ट है आपका द वनली वे टू हील दिस फेस्टरिंग वुंड ऑन द बॉडी पॉलिटिक इज टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस नॉट ओनली इन द सिविल केस बट, अब यहां बट की बात क्या आना चाहिए था,
बट ऑल्सो आना चाहिए, नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बट ऑल्सो। चलिए पहली बार फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इसमें दिया है जो आपके काम आ सकते हैं थोड़े बहुत, देखें। अ कंप्रोमाइज कुड इनडीड बी प्रीफरेबल टू एन ऑर्डर दैट मे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो मे के बाद क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, क्या मे के साथ लेफ्ट आ सकता है, कभी नहीं। मे हैव लीव, क्या है के बाद लीव आ सकता है, कभी नहीं। मे लीव आ जाएगा ना, मे मॉडल है तो लीव फर्स्ट फॉर्म है, हो जाएगा, और मे के साथ कभी हैड हो नहीं सकता है। नेक्स्ट देखें, However, जो भी इट इज क्वाइट क्वेश्चनेबल, अब क्या आएगा, इट इज क्वाइट क्वेश्चनेबल दैट, क्वेश्चनेबल के साथ दैट कैसे आएगा, वेन, यहां समय की कोई बात तो है नहीं, वॉट, हम किसी चीज की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो अगर आपको पैसे याद हो पढ़ाते समय, तो However, it is questionable whether this principle है ना, if या whether का प्रयोग यहां पे हम कर सकते थे। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर अपॉइंटिंग थ्री मीडिएटर्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन डैश डैश द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। तो मैंने बताया था टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन के साथ टू का प्रयोग कर लें। लास्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्यूट डैश द साइट एट अयोध्या, अभी मैं बोला था जिस चीज पर विवाद है उसके लिए डिस्प्यूट के साथ ओवर का प्रयोग करते हैं, तो ओवर हो जाएगा यहां पे आपका। लास्ट है, द प्रेसिडेंट रिफर, याद है ना अभी कुछ देर पहले रिफर शब्द क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू, लगेगा ना, द प्रेसिडेंट रिफर टू हो जाएगा यहां पे, द सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। चलिए ये प्रयास है एक मेरा आपके लिए। सबसे अच्छी चीज देखिए इसमें ये वर्ड्स हैं जो हर एक एग्जाम की जान होते हैं, आप अगर इन्हें एक एक करके तैयार करते जाएं तो ये बहुत काम आएंगे, इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हर चीज, सबसे बड़ी चीज इनके यूसेज दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो उनसे भी, जैसे मान लिया आप टीयर अप को यूज करना चाहते हैं, राहुल गांधी टोर अप द लेटर, यानी राहुल गांधी ने उस लेटर को बिल्कुल फाड़ के रख दिया, मैं फाड़ दिया उसे, अगर टीयर डाउन है कहीं पे तो ढा देना गिरा देना, इस सेंस में यूज किया जाता है। तो ये वर्ड्स वगैरह हैं जो सबसे अच्छी चीज है जिनका आप यूज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, एक एडिटोरियल में किसी में 17, किसी में 18, किसी में 20, किसी में 10, हर एक में इस तरह विद हिंदी विद इंग्लिश सारी चीजों के साथ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इनका प्रयोग करें और जल्दी जल्दी सफल हो जाए आप, मेरी भी इच्छा है कि ये सारी चीजें आपके काम आ सकें। चलिए गुड नाइट, हमेशा खुश रहें आप, थैंक यू।